का कमर सरपंच की छोटी बना रस का कमर गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जानकी रावत का पहले प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानकी रावत व्लॉग में। तो दोस्तों, आज भी हम लोग जा रहे हैं सातवां आठवां महोत्सव में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 30 तारीख तक जो है पिथौरागढ़ में जो है काफ़ी धूम मचने वाली है। और आज हम थोड़ा सा जल्दी आए हैं, कल हम लेट हो गए थे, आज हम थोड़ा टाइम से गए हैं क्योंकि हम लोग ना बच्चों के जो है स्कूल के प्रोग्राम्स नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा आज हम टाइम से जा रहे हैं। आई होप आप लोग मेरे व्लॉग देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, और लाइव में जितना हो सकता है मुझसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे नेट जब तक चलता है तब तक तो दिखाती, फिर नेट फुल हो जाता है तो फिर लाइव भी बंद हो जाता है। तो मेरी जो है ना यहाँ पर जो है हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर है थोड़ी चढ़ाई, सांस फूल जाती है, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ मैं। मेरी फ्रेंड मीना आ रही है नीचे अपना व्लॉग स्टार्ट करते करते, तो मैं कर रही हूँ इसका वेट। और आज भी जो है सातों आठों की खूब धूम होने वाली है, और कल के व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, तो आज भी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। अम्मा सातों आठों की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम। हाँ ठीक छा, कहाँ जाना चाह मल्ली? मल्ली ना मोड़ गाँव रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं वहाँ का रामलीला मैदान का आपको व्यू दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही चाहूँगी कि अपने कल्चर से जुड़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो हम लोगों की पहचान है, तो उसे कभी ना भूलें। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो, कैसे हो? प्रणाम 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 जी, कैसे हो? सातों आठों की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। ठीक हो? ज़्यादा कुछ भी बढ़ गया है तो समिति से संपर्क करके आप अपना गिफ्ट ले लीजिएगा, कोई बच्चा भी नहीं रहे जिसके गिफ्ट न मिला है। चलिए राम सिंह चले। आप भी अपना थोड़ा सा कैटिंग चेंज कर लेना ना। कैसे? पहला उन्हें छोड़ा ही नहीं है। कुर्ते का कलर चेंज कर ले। हवा चली ही अलग प्यारी,
ठंडी ठंडी हवा चली अपने घर कमियों से ये छोटा सा अच्छा जो है प्रोग्राम हमने बनाया है, तो देखिएगा और ब्लॉक के स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों हमारे भी दीप्ति भी आ गई है, जो देखा है भीड़ आ रहा है, वो देखो ये कोई अध्यक्ष हमारा दीप्ति मां तो अध्यक्ष से नहीं दीप्ति फैंसी महाराज जी तो लल्ला जी और इधर अधिकार जो टीम में से हमारा ये बहुत लंबी लाइन से खाती से हमारे एक अधिकारी जी जा रहे हैं लगता सारा उतरे रहे आज ने देख सा युवा लग रहा नहीं युवा Thank you.
माननीय विधायक मयूर महर जी की गरिमामय उपस्थिति है और ऋषभ महर जी राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी के, आपकी उपस्थिति है। और महेंद्र सिंह लंठी जी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, आप सभी निवेदन है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ भूपेंद्र सिंह मेहरा जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं रामलीला कमेटी के, मेरा तो मेरा निवेदन है कृपया आए हैं। और मेरा सोराणी जी से, नारायण सोराणी जी हमारे बीच हैं, नवीन भड़जी हमारे बीच हैं, मनोज रावत जी हमारे बीच हैं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कृपया संगत करेंगे विभिन्न अधिकारी जी की, अगर व्यवस्था हो सकती है तो ढोलक मनोज रावत। चलिए मैं यह कार्यक्रम भी पूरे कर लेंगे। देविका बोरा जी की उपस्थिति हमारे बीच है। बोरा जी, मेरा निवेदन है आपसे कि एक स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करेंगे। प्रणाम, पहला बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी का और पूरे पिथौरागढ़ के सभी लोगों का, आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे। आइए एक झूला सभी लोग को भेंट करते हैं हम लोग। और मेरे माननीय विधायक गणेश से और हमारे जितने लोग वहाँ बैठे हैं, मेरा निवेदन है थोड़ी देर अगर खेल में आप लोग भी लगेंगे तो हम सबसे अच्छा वर्तन होगा। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, जितने लोग यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में आए हैं आप सबसे निवेदन है। और माननीय झोलिया जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, यशवंत बहन और ठोलिया जी आपसे निवेदन करता हूँ। चलिए मेरे दिखाई में जो तैयार है शुरू करते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा इसको चटक बनाते हैं, थोड़ा तेज हो जाएंगे। अपनी जगह को लसका कमर सवाचे की चली धाना, लसका कमर, लसका कमर सवाचे की चली धाना, लसका कमर सवाचे की चली धाना, लसका कमर सवाचे की चली धाना, लसका कमर पटवारी उम्मीद सुन, लसका कमर लसका कमर तुम तो चमक लगल लसका कमर
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे उत्तराखंड के लोक गायक हैं गोविंद दिगारी जी, तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन हमने आज मौके पे चौका मार लिया। हमने सबसे पहले फोटो खिंचा ली, लेकिन अचानक यूँ मतलब हम रोज आ रहे हैं सातों आठों पर्व में, लेकिन आज सडनली अचानक से हमने गोविंद दिगारी जी को सामने से देखा, तो यू नो व्हाट मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ। मैं इनके गानों पर पता है इतनी रील्स बनाती हूँ और इन्हें टैग भी करती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना कि मुझे मतलब बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही जैसे किसी में ईगो जैसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। मतलब काफ़ी अच्छा बिहेवियर है इनका, हमारे गोविंद दिगारी जी का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या मतलब यहाँ पर जितने भी लोग थे मतलब सबको इतनी खुशी हुई, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आज हमारे बीच उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायक है गोविंद दिगारी जी, जिनके गीतों में पूरा मतलब उत्तराखंड झूमता है, उनके गीतों में रील्स बनाता है, और अचानक से आज हमारे सामने आ गए, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। मतलब तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर को, और हमने किया खूब एंजॉय। आई होप आपने भी मेरे साथ ही सातों आठों पर्व को काफी एंजॉय किया होगा। और आज तो कुछ स्पेशल था, आज था हिल यात्रा, आपने देखा होगा किस टाइप से हमारे वहाँ हिल यात्रा होती है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। और कई लोग, मैं तो वैसे लाइव में जुड़ी थी, आज मैंने व्लॉग ज्यादा नहीं बनाया, लाइव में जुड़ी थी, और कई लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि मतलब जो लोग गाँव से काफी दूर रहते हैं वो लोग मतलब अपने गाँव को काफी मिस कर रहे हैं, और कह रहे थे कि हमें अपने गाँव की याद आ गई ये सो, तो थैंक यू। तो मैं उनको कहना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे साथ लाइव में जुड़े, इसका मतलब वो मन से क्या है पहाड़ी है, जो अपने गांव को मिस कर रहे हैं, अपने पहाड़ को मिस कर रहे हैं, और अपना जो बाहर रह करके अपना जो हमारा पहाड़ी कल्चर है कहीं दूर से हो गए हैं उससे, लेकिन मेरे व्लॉग में जुड़ करके उन्होंने वो अनुभव किया और अंदर से उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो उनको मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। और उनसे मैं आशा करूँगी कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्लॉग तो हम डेली बनाते हैं, लेकिन जो कल्चरल वाले व्लॉग होते हैं वो हमें शेयर करना चाहिए, ताकि जो लोग हमारी संस्कृति से दूर हो गए हैं वो भी उनसे जुड़ाव महसूस करें और समझें कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि कल भी है सातवां आठवां पर्व, और कल फिर खेल लगाए जाएंगे। आज तो हमने खेल खेला नहीं, क्योंकि आज जो है हमारे बीच आए थे उत्तराखंड के लोक गायक गोविंद दिगारी जी, तो आज हमारा सारा फोकस जो था वो उन पर था, तो हम की वीडियोस बनाते थे, क्योंकि रोज़ तो आते हैं आटो खेल तो हम खेल ही रहे हैं ना, तो आज मतलब बड़ी मुश्किल से आए थे दिगारी जी, और काफ़ी मधुर आवाज़ें उनकी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और तो चलिए फिर इस ब्लॉग में इतना ही कहना चाहूँगी, और आपसे मिलती हूँ कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, जय हो उत्तराखंड देवभूमि।